नमस्कार, आप देख रहे हैं अपूर्ण उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में शादी के मेहमानों को ले जा रही एक बस खाई में गिर गई और इसमें गिरने से कम 25 लोगों की मौत हो गई है। पौड़ी गढ़वाल इलाके में दुर्घटना स्थल पर रात भर चले अभियान के मैं करीब आपको बता दें कि 21 यात्रियों को बचाया गया है। बस में 45 से ज्यादा लोग सवार थे। पुलिस उप महानिरीक्षक अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस और एसटीआरएफ ने रात में 21 लोगों को बचाया और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को पौड़ी के सिमडी गाँव पहुंचे, जहाँ ये दर्दनाक बस दुर्घटना हुई है और इस दौरान सीएम धामी के साथ एमओएस डिफेंस अजय भट्ट भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने मृतकों के परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि राज्य सरकार परिवारों के साथ खड़ी है और दुखद बस दुर्घटना की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों से घटना की विस्तृत जानकारी ली जा रही है। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। ये बारात आई लाल ढंग से और यहीं से इसको जहाँ पे ये दुर्घटना हुई, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे ये दुल्हन का गांव पड़ता है कांडा तला, और बहुत बड़ी दुर्घटना हुई रात को करीबन 6:45 या 7 बजे के लगभग। और हम बहुत दुख की बात है, पूरे क्षेत्र में एक बड़ा शोक की लहर, समझो कि माने पूरा पूरे पूरे परिवार लोगों के। अभी हमने रात को जब हम यहाँ पे 11 बजे पहुँचे, हमने देखा तो कई लोगों के पूरे परिवार चले गए इसमें, और क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी हानि और बड़ी दुखद घटना हुई है। वहीं पौड़ी में हुए हादसे पर डीजीपी अशोक कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि खाई से 25 शव बरामद किए जा चुके हैं और बस में करीब 45 लोग सवार थे। जो है बस हादसा हुआ, बड़ा हादसा हुआ, इसमें 45 से 47 लोग थे और हमने जो है 20 लोग निकाले। रात भर ऑपरेशन चला, सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन चला, 20 लोग निकाले, उनको हॉस्पिटलाइज कराया। अभी तक की हमारी जो सूचना है उसके हिसाब से इनमें से 25 लोगों की मौत हो चुकी है और जो 20 लोग हैं इनमें भी 2-3 लोग क्रिटिकल हैं और एक आध आदमी जो है हो सकता है जो और बचा हो, क्योंकि उन्होंने कोई कह रहा 45+2 थे ड्राइवर और कंडक्टर को मिला के हटा के 45 थे, कोई गरब ऐसे 45 तो मैक्सिमम 47 थे, मिनिमम 45 थे। तो मैंने कहा 25 जो है उनको मान लीजिए मृत मान लीजिए और 20 हमने ऊपर लाए जिनको हॉस्पिटलाइज करा, उनमें से 2-3 लोग क्रिटिकल भी हैं। ये बॉडी का हादसा और हमारा अभियान वहाँ चल रहा है लगातार और बॉडीज को ऊपर लाया जा रहा है, उनमें से इनमें से 25 में से 15 बॉडीज को ऊपर लाया जा चुका है। सर, कल उत्तरकाशी में हादसा हुआ है, उसमें क्या डिटेल है? उसमें भी अपडेट है, आज मौसम खुला था, हेली रेकी हुआ, फिर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से हमारी जो एसडीआरएफ आईटीबीपी की टीमें थी, नीम की टीमें थी, उनको ऊपर ले जाया गया। ये जो घटना बेस कैंप 13,000 फुट पे है, घटना 17,000 फुट के आसपास की है। तो वहाँ से कल बता रहे थे 26 मिसिंग है, 4 बॉडीज हैं, आज जो है 6 बॉडीज और मिली, टोटल 10 बॉडी वहाँ मिल चुकी है अभी तक और हमारी टीमें वहाँ लगी हुई हैं। वहाँ कितने लोग गए थे वो एग्जैक्ट डाटा नहीं। हरिद्वार में लालढांग गांव से रवाना हुई बारातियों की बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद लालढांग गांव में मातम पसर गया है। आपको बता दें कि गांव में युवक संदीप के घर शादी की खुशियां मातम में बदल गई। बारात में शामिल गांव और रिश्तेदारों के 25 लोगों की मौत की खबर के बाद दूल्हे के घर में चीख पुकार मची हुई है और घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। स्थानीय नेता और जनप्रतिनिधि भी संदीप के घर सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। बस दुर्घटना से सन ग्रामीणों ने बाजार भी बंद रखा है। सर, ये लाल ढांग से बारात गई थी हमारे भांजे की, और नहीं जय जी, बारात गई थी यहाँ से रिगनिकाल कांडा, और उसके बाद 5 बजे मतलब फोन आया था हमारे भांजे का कि हम रिगनिकाल पहुँच गए, और 5 बजे के बाद कोई फोन नहीं आया सर, और उसके बाद जो है कि सुनाई दिया कि वहाँ बस जो है खाड़ी में गिर गई। तो सर अभी तक कोई वो पता नहीं चल रहा है। हमारा भी एक लड़का है, दामाद है मथुरा प्रसाद धर्मवीर सिंह, अभी तक कोई वो नहीं आया कि मतलब वो मिल नहीं पाए कि क्या नहीं है।
कितने लोग थे कुल बारात में? कैसे बारात में से 60-50-55 आदमी थे, और अभी तक दुर्घटना का कोई पता नहीं चला कि साहब फोन लग नहीं रहा है, फोन लगा रहे हैं यहाँ से तो फोन नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर सब लोग आए थे, क्या कहते हैं उनको, विधायक लोग भी आए थे और पुलिस वाले कर्म हमारे भाई जो पुलिस वाले हैं वो भी आए थे, सब हमारी जान पहचान यहाँ से लेकर गए थे और मीडिया वाले भी गए थे। माहौल हो गया, आप तो शादी की तैयारी में लग रहे थे सब? वो शादी की तैयारी में थे, बारात चली गई थी मतलब, और उसमें जाके वो क्या कहते हैं कांडा की बोली सब, क्या कहते हैं सिमड़ी गांव के नजदीक में जो है बस दुर्घटना। अब उसने मैं जाने कितने पास उत्तरकाशी द्रौपदी का डाडा में एवलॉन्च आने के बाद लापता करीब 25 पर्वतारोहियों की खोजबीन के लिए घटना के दूसरे दिन बुधवार तड़के से बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। अभी तक 10 से ज्यादा शव बरामद किए जा चुके हैं, वहीं 14 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ITBP हेलीपैड मातली पहुंचे। आपको बता दें यहां उन्होंने द्रौपदी का डांडा दो पर्वत चोटी में हिमस्खलन की चपेट में आए निम के प्रशिक्षणार्थियों के लिए चल रहे बचाव और राहत कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों की समीक्षा भी की। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने प्रभावितों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को प्रभावितों को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके तहत मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपये, गंभीर घायलों को 1-1 लाख रूपये और सामान्य घायलों को 50-50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब देखिए ये तो सब चूंकि जो उसके विशेषज्ञ लोग होंगे वही बता पाएंगे, और अगर कहीं कोई ऐसी बात हुई है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अच्छा सीएम साहब, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये कि राज्य सरकार की तरफ से या इस ऑपरेशन को लेकर क्या और कुछ कदम उठा रहे हैं, कोई बातचीत आपकी कहीं हुई हो? नहीं, लगातार जैसे ही कल हमें मालूम चला था तो मैंने रक्षा मंत्री जी से बात करी थी और वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की उस समय जरूरत थी तो वायुसेना के हेलीकॉप्टर यहां पर आ गए हैं। रात्रि में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं जो है उन्होंने जानकारी ली है और उन्होंने कहा है कि कोई भी यहां पर किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है तो उसको उस स्तर पर किया जाएगा, और जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं उनसे हम लोग बात करने के लिए यहां पर आए। अभी तक की जो जानकारी है, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अभी तक 34 में से 27 लोग अभी मिसिंग में हैं, उनको ढूंढा जा रहा है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसमें NDRF की टीम, जिला प्रशासन की टीम, सेना के लोग, सभी लोग लगे हुए हैं, और हम सब लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जल्द से जल्द सभी लोग सकुशल वापस आ जाएं। सर, ऑपरेशन को लेकर किसी और स्ट्रेटजी पर बात हो रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज करने के लिए हेलीकॉप्टर या कोई और टीम की जरूरत पड़ रही है? देखिए ये तो क्योंकि जिस प्रकार की भी यहाँ पर जरूरत है और राज्य सरकार से हो या केंद्र सरकार से हो, लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, गृह मंत्री जी ने भी लगातार वो स्वयं वहां से चिंता कर रहे हैं और जो भी जरूरत है उस जरूरत को उन्होंने कहा है कि करेंगे, और हम लोग पूरी तरह से लगातार सबके टच में हैं, जहां पर जैसी जरूरत होगी उसके अनुसार। देश भर में दशहरा का त्यौहार मनाया जा रहा है, ऐसे में हर बार की परंपरा के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को सुबह शस्त्र पूजा की और राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के चमोली में ओली सैन्य स्टेशन में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की उपस्थिति में हथियारों के साथ अनुष्ठान किया। और इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां हथियारों की पूजा की जाती है, और साथ ही उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि हमारा देश हमारे सशस्त्र बलों के हाथों में सुरक्षित है, और हमारे सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के जवान हमारे देश का गौरव है। वहां उन्होंने जवानों के साथ नाश्ता किया और बातचीत की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों के साथ देशभक्ति का गीत भी गाया। उत्तराखंड में सेना के जवानों के साथ दशहरा मनाते हुए ओली मिलिट्री स्टेशन देशभक्ति का गीत ए वतन तेरे लिए की आवाज से गूंज उठा, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जवानों के साथ ताल में ताल मिलाते रहे। Yeah.
दशहरा पर्व के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड पहुंचे हैं। आपको बता दें, जहां उन्होंने जवानों के साथ दशहरा का पर्व मनाया और उसके बाद राजनाथ सिंह बद्रीनाथ धाम पहुंचे और भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इस मौके पर सशस्त्र बलों के जवान भी उनके साथ मौजूद रहे। दर्पण विसर्जन के साथ महिलाओं ने देवी मां के चरणों में और माथे में सिंदूर लगाकर मां को विदाई दी और इसके अलावा महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर की होली खेली। आपको बता दें कि बंगाली समाज का मानना है कि मां धरती पर दुर्गा पूजा की तिथि पर अपने मायके आती है और इस दौरान 5 दिन की पूजा अर्चना में देवी मां को विभिन्न प्रकार के अन्न भोग प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। पूजा के अंतिम दिन मां की विदाई की जाती है और इस दौरान महिलाएं अश्रुपूर्ण नेत्रों से देवी मां की मूर्ति पर सिंदूर लगाती है। आज दशहरा का पर्व है, इसमें हम सभी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। एक्चुअली हमारी ये मान्यता है कि इस सिंदूर से अपने सुहाग के आयु की वृद्धि होती है, धन धान्य और सुख समृद्धि से परिपूर्ण होते हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। इस दिन रावण को भी जलाते हैं, असत्य को नाश करने के लिए रावण को जलाया जाता है सत्य की जीत के लिए। तो इस पर्व पर हम एक दूसरे को गले मिलते हैं, बहुत खुशियां मनाते हैं। आप देख ही रहे हैं, बहुत हर्षोल्लास का माहौल है। आज विजयदशमी का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हम हमारे पति की लंबी आयु के लिए हम ये त्यौहार मनाते हैं और एक महिला एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं जिससे कि पति की लंबी आयु हो। और दुर्गा पूजा का ये त्यौहार तो हम बहुत देर से मनाते हैं और सभी यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, महिला इकट्ठा होके ये त्यौहार को मनाया जाता है। आज विजयदशमी का दिन है जिसमें कि सिंदूर खेला जाता है हमारे बंगाली समाज में, जिसके कि अपने पति देव का दीर्घ आयु के लिए सिंदूर खेला जाता है। और माँ से प्रार्थना करती हूँ कि माँ सभी माँ के शक्ति प्रदान करें और हमारे देश में जो भी बीमारी आए उनको दूर करें और माँ सबके साथ सद्व्यवहार सब शुभ व्यवहार मुझे करने। ऐतिहासिक और धार्मिक नगर अल्मोड़ा में नव दुर्गा महोत्सव का समापन हो गया है। आपको बता दें कि 9 दिन धार्मिक अनुष्ठान के बाद अल्मोड़ा में मां दुर्गा की मूर्तियों का भव्य यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में एक दर्जन जगहों में मां दुर्गा के नवरात्र किए जाते हैं। 9 दिनों तक हर मोहल्ले में माँ का जगराता और भजन कीर्तन के साथ लोगों की ओर से इस पर्व को मनाया जाता है। नवरात्र चल रही है और अल्मोड़ा शहर जो है सांस्कृतिक और धार्मिक शहर है और यहाँ पर पिछले 9 दिन से जो है नवरात्र की बहुत बड़ी मंगल कामनाएं जो है यहाँ पर की जा रही है। हर मोहल्ले में जो है माँ दुर्गा का निर्माण हो रहा है और आज विजयदशमी का पर्व है और माँ दुर्गा की भव्य शोभा यात्रा निकल रही है और भव्य शोभा यात्रा में माताएं और बहने और श्रद्धालुगण जो है झूम रहे हैं माँ के जयकारे के साथ। बहुत बड़ा उल्लास जो है अल्मोड़ा नगर में हो रहा है।
नैनीताल में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। आपको बता दें कि यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य में बलात्कार और हत्या हो रही है और सरकार सोई हुई है। उन्होंने कहा कि अंकिता और जगदीश हत्याकांड के साथ उत्तरकाशी में भी एक मामला सामने आया है और अब अल्मोड़ा में ऐसा ही मामला सामने आने के बाद सरकार पर सवाल उठता है। आर्य ने मांग करते हुए कहा कि सभी मामलों की सुनवाई तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाई जाए। प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है और पूरे प्रदेश में डर और भय का माहौल बन चुका है। अपराधी बेखौफ हैं, बेलगाम हैं। जिस तरह से लगातार हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि, सरकार का नुमाइंदा, मंत्री, विधायक, सांसद सांत्वना के दो शब्द नहीं कहते हैं। इन्होंने मानवता को शर्मसार किया है, देवभूमि को कलंकित करने का काम किया है। कोई उस परिवार को शुद्ध नहीं लेता है, आर्थिक मदद नहीं होती है। जगदीश की जो विधवा पत्नी है, बिल्कुल गरीबी में जीवन यापन कर रही, उसकी माँ बूढ़ी माँ, उसकी बहन आर्थिक रूप से कमजोर है, कोई आर्थिक मदद नहीं। हमारा कहना है उनको सरकार आर्थिक सहायता मुहैया करवाए। हमारा कहना है कि तीनों मामले को फास्ट में कोर्ट में सुनवाई हो। हमारा कहना है कि इसकी उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निगरानी में। पौड़ी के लक्ष्मण झूला थाने में अभी अंकिता भंडारी का मामला थमा भी नहीं है कि अब थाने की पुलिस पर एक और आरोप लग गया है। आपको बता दें कि मामला है अग्निवीर के लिए कोटद्वार से घर लौट रहे केदार भंडारी का। दरअसल आंखों में आर्मी का सपना लिए पहली बार घर से बाहर निकला 19 वर्षीय केदार, जिसकी आर्मी में तो भर्ती नहीं हुई, लेकिन लक्ष्मण झूला पुलिस ने पहले तो उसे बिना किसी शिकायत के चोरी के इल्जाम में कस्टडी में रखा और फिर उस पर कई तरह के जुल्म किए और उसके बाद कस्टडी से भागकर 22 अगस्त को केदार ने नदी में छलांग लगाकर मौत को गले लगा लिया। वहीं इस आत्महत्या को लेकर अब परिजन सवाल उठा रहे हैं और अपने बेटे की मौत के जिम्मेदार पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अभी क्या, अब पुलिस बोल रही है, अभी क्या है, पुलिस ने बताया हमें तो 19 वर्ष जो 70 फीट से छलांग मारा, क्या उसका पाँव नहीं टूटा, क्या उसके पाँव को निशान है वहाँ पे, ये मान पुलिस जो बता रही है घटना स्थल, तो हम कैसे मान, सारी झूठ है, मैं विश्वास नहीं करता। पुलिस कस्टडी में रहने के बावजूद उन्होंने छलांग लगा दिया, क्या ये पूरी स्क्रिप्ट लग रही है, पूरी प्लान है, किस तरह से आप देखते हैं? ये मुझे लग रही है इनकी नियोजित है, ये मिली मिली ये लिपापोती कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रही, ये सब लिपापोती कर रहे हैं। आपने वहाँ जो स्थानीय प्रशासन है उससे बात की है, आपने किस किस से बात की है इस विषय में? बात तो मैंने सबसे की, लक्ष्मण झूला के जो थाना प्रभारी हैं उनसे भी बात हुई, सबसे बात की, क्या कुछ आश्वासन मिला है वहाँ से? कुछ आश्वासन ये बोला तो हो जाएगी बोली, अब कब मिलेगी? 2 महीने तक मिल जाएगी, अभी पानी में जा रखो उतर आ गए, 2-3 महीने फिर अभी अब बोलेंगे 6 महीने लगेंगे, 6 महीने में लगेंगे तो क्या, अब तक सो गए जो मेरे को तो मेरा होगा कि बॉडी अभी नीचे जाएगी ऊपर नहीं आएगी। मुझे क्या पता कि किस मामले में, पता ही नहीं है, बताया नहीं, वो मुझे खड़े फोन करें कि जैसे लापरवाही कि आपके बच्चे नदी में खोद किस कारण खुद आओ, ये भी मेरे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए मामला सीधा सीधा ये है कि इलीगल डिटेंशन का मामला है, इलीगल कस्टडी का मामला है और उसके बाद मर्डर का मामला है और उसके बाद बॉडी रिकवर नहीं होती है। इनको पिछले 1.25 महीने से 22 अगस्त से ये भटक रहे हैं पिता, और इतने ये दूर रहते हैं, वहाँ से आकर उत्तरकाशी के दोस्त गांव में रहते हैं, वहाँ से ये आकर परेशान हो रहे हैं। इनके मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है, इनके बेटे की मिसिंग दर्ज नहीं की गई है और इनको बताया नहीं गया कि क्या हुआ था, जबकि जो मैंने अभी तफ्तीश करी है तो मुझे पता चला है और पुलिस ने जो ट्वीट किए हैं, पुलिस ने जो
मैसेंजर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो बताया है कि परमार्थ निकेतन में चोरी के मामले की खबर आती है, वो ये नहीं कहते कि कंप्लेंट आती है, वो कहते खबर आती है, सूचना आती है, उस सूचना के आधार पर मूली की रोटी थाने के पुलिस द्वारा संदिग्ध को पकड़ा जाता है। संदिग्ध वो और कोई भी केदार भंडारी होता है। केदार भंडारी जब उसको पकड़ा जाता है तो उसको बताया जाता है कि चोरी वहां से हुई है, इसलिए आपको पकड़ा जा रहा है। ये मामला लक्ष्मण झूला थाने का है, तो लक्ष्मण झूला थाने में उसको सुपुर्दगी दी जाती है, और जब लक्ष्मण झूला थाने में सुपुर्दगी दी जाती है तो उसके साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी थर्ड डिग्री इस्तेमाल की गई है, उसके साथ यातनाएं दी गई हैं, उसे यातनाएं दी गई और उस यातना के दौरान उसके साथ कुछ न कुछ हादसा हो गया है, जिसको छुपाने के लिए पुलिस ने ये पूरी कहानी रची है। अब पुलिस अपनी कहानी में इसलिए फंस गई है क्योंकि आजकल अब अंकिता भंडारी वाला मामला सेम थाने का है, ये मामला सेम थाने का है, उसी जिले का है, वही पुलिस है, वही जांच करता है, वही आप देख रहे होंगे। अंकिता भंडारी के मामले में पुलकित आर्या दोषी था, अब ये वाले मामले में सीधा सीधा जो आरोप लग रहा है वो उत्तराखंड पुलिस। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के निर्देशों का पालन करते हुए एसएसपी पौड़ी यशवंत सिंह चौहान ने लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष सिंह को पुलिस कार्यालय पौड़ी में अटैच कर दिया है। आपको बताते जबकि पौड़ी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विनोद गोसाई को लक्ष्मण झूला थाने का प्रभारी बनाकर भेज दिया गया है। विनोद गोसाई ने थाने का चार्ज संभाल लिया है और साधना प्लस से फोन पर खास बातचीत में प्रभारी निरीक्षक विनोद गोसाई ने बताया कि एसएसपी पौड़ी यशवंत सिंह चौहान ने जो जिम्मेदारियां देकर उन्हें लक्ष्मण झूला थाना भेजा है उस पर वो खरा उतरने का प्रयास करेंगे, साथ ही क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि थाना प्रभारी निरीक्षक का ये फेरबदल लक्ष्मण झूला पुलिस की हिरासत से छूटकर गंगा में कूदने वाले केदार सिंह के मामले को लेकर किया गया है। तो चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।